ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी, आज हमारा है इंटर्नशिप लेक्चर नंबर 2। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने प्रोडक्ट को एनालाइज करने कीपा के थ्रू, टूल्स के थ्रू, ठीक है। क्योंकि हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने देखा था कि हमने मैनुअल हंटिंग करनी है और उसी की जो है आप लोगों ने असाइनमेंट्स ले दी हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कीपा के थ्रू। तो अब इसका जो है ना मेन मकसद यही होता है, मैं ऐसे करवा रहा होता हूँ कि जब आप मैनुअल हंटिंग करते हैं और उसके बाद आप टूल्स पे आते हैं ना, तो आपको टूल्स में और मैनुअल हंटिंग में जो है ना वो अच्छे से जो है ना उसमें डिफरेंस का पता चल जाता है कि ज़्यादा आपको जो है वो कौन सी चीज़ जो है सुकून से आप कर सकते हैं। इट मीन्स ये होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जो आप मैनुअल हंटिंग कर रहे होते हैं ना, उसके बाद आप जब कीपा पे आते हैं ना, तो आप जो है कीपा के ग्राफ को चेक करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो जल्दी से चेक करते हैं, उनको एक नज़र में आप देखते हैं, तो आपको सारी चीज़ें जल्दी से पता चल जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि हमने कीपा में कैसे करना होता है, ठीक है, चेक उसको कैसे करना होता है। हाउ टू एनालाइज आर प्रोडक्ट इन होलसेल। तो होलसेल में हम कैसे एनालाइज करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक टूल होना चाहिए जो कि कीपा है। हाउ टू फाइंड एंड एनालाइज विनिंग प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, यू मस्ट हैव कीपा। विदाउट कीपा यू कैन नॉट एनालाइज अ प्रोडक्ट। तो कीपा के बगैर जो है होलसेल आपको पता है कि हम नहीं कर सकते, तो कीपा होना चाहिए। तो कीपा ही एक इसके लिए टूल है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट टूल, इसीलिए ये मेंशन किया गया कि आप जो है वो आपको किसी और टूल की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। आपको जो है हीलियम की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो हीलियम ले रहे होते हैं, तो हीलियम में आपको इसकी कोई भी हेल्प नहीं होने वाली, ना इसके लिए आप कर सकते हैं। वो जो होती है ना वो होती है पीएल के लिए यूज़ होते हैं, वो वाला टूल जो कि हीलियम है। तो वो हम उसको प्राइवेट लेवल में यूज़ कर रहे होते हैं, तो होलसेल में हमारे लिए क्या बेनिफिट देता है, कीपा ही आता है हमें यूज़ में, तो कीपा से ही हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसे हम कैसे एनालाइज करेंगे, कुछ उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको पहले पॉइंट्स जो है ना ये क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम उसको प्रोडक्ट के ऊपर देखेंगे, ठीक है जी। तो काइंडली मेक श्योर किया करें कि अब जो है ऑफ कर लिया करें, फिर दूसरों को जो है ना वो थोड़े से इश्यू होते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमने देखना होता है कि चेक 90 डेज एवरेज प्राइस। हमने क्या करना होता है, प्राइस जो उसका ग्राफ होता है ना वो हमने देखना ये होता कल की है। है। काइंडली अपना जो है माइक ऑफ कर लें, ये जिसका भी माइक ऑन है। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, हम क्या कह रहे होते हैं, हमने 90 डेज की एवरेज प्राइस हमने चेक करनी होती है। और सेकेंडली हम देख रहे होते हैं चेक 90 डेज एवरेज बीएसआर। बीएसआर जो है वो अगर कोई न्यू है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, बेस्ट सेलर रैंक होता है। तो बेस्ट सेलर रैंक जो होता है ये जितना ही कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। इट मीन्स कि अगर आपका बीएसआर जितना कम होगा वो प्रोडक्ट उतनी ही ज़्यादा सेल हो रही होगी, उतनी ही ज़्यादा वो अच्छी उसकी सेलिंग होगी, ठीक है। तो जितना ये नीचे को जाएगा उतनी जो प्रोडक्ट की सेलिंग है ना वो उतना ही ऊपर को जाएगी। ये ऐसे एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं कि अगर इसका बीएसआर कम है किसी प्रोडक्ट का, और उतनी ही उसकी ज़्यादा जो है वो सेलिंग होगी, ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक होता है, मस्ट बी लेस देन 660K। ये होता है कि आपका जो है ना वो 60,000 से कम ही होना चाहिए। तो ये होता है बीएसआर जो कि हम 90 डेज में देख रहे होते हैं, ठीक है। चेक अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक एटलीस्ट 90% आउट ऑफ स्टॉक। ये होता है कि अमेजोन जो है ना उस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। अगर हो भी तो उसके ऊपर जो है ना 90% तो मस्ट जो है ना वो 90% ऑफ होना चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम सब किससे देख रहे होते हैं, क्योंकि पिछली जो हमने मैंने आपको जो है ना वो दिखा देता हूँ पॉइंट्स हमने क्लियर किए थे, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर का क्राइटेरिया था। तो यहाँ पे मैंने ये देखे, ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको कहा था कि ये अभी हम नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यही वाले ये जो है ना पॉइंट्स हैं जो कि हमने इसका, ये नहीं कि ये वाला क्राइटेरिया और आपका प्रीवियस क्राइटेरिया ये दोनों डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही हैं, एक ही चीज़ है। लेकिन ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना ये हम सिर्फ ओनली उसके ऊपर देख रहे होते हैं, टूल्स के ऊपर। मैनुअल हंटिंग में हमें ये नहीं दिख रहे होते और ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं, ये इसको टूल में ही ऐड करके ये वाले पॉइंट्स को टूल में वाले लेक्चर में ऐड करते हैं, ताकि यहाँ से आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है। तो जो इसमें होता है अमेजोन, वो 90 डेज में अमेजोन, तो उसके ऊपर प्रोडक्ट बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, और एटलीस्ट 90% तो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। चेक बाय बॉक्स रोटेशन 50% आर मोर इज डोमिनेंट। अच्छा, इसमें बाय बॉक्स रोटेशन जो होती है ना, ये ऐसे होते हैं कि बाय बॉक्स जो है ना वो रोटेट कर रहा होता है प्रोडक्ट का,
बाय बॉक्स रोटेशन जो होती है ना, वो एक सेलर के पास होती है, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास, और इसी को हम देख रहे होते हैं। और ये होता है कि अगर एक सेलर जो है ना वो 50% या 50% से अबव, उससे ज़्यादा जो है ना वो उसके पास अगर है बाय बॉक्स रोटेशन की परसेंटेज, तो इट मीन्स कि उसके ऊपर वो डोमिनेंट है, ठीक है। उसके पास जो है ना ज़्यादा वो जा रहा है, उसके पास कौन कौन से ऐसी रीजंस होती हैं कि उसको इतना ज़्यादा जो है ना वो बाय बॉक्स मिल रहा है, तो वो हम नेक्स्ट शेयर करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए ये कि अगर उसके पास 50% या इससे ज़्यादा है ना बाय बॉक्स, इट मीन्स कि वो उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, उसके ऊपर ज़्यादा पावर में बैठा हुआ अमेज़ॉन जो है वो उसको ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। बाय बॉक्स उसकी शेयरिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कह रहे थे, वो डोमिनेंट है। तो ऐसी लिस्टिंग से हम क्या कर रहे थे, क्योंकि हम जो है हमने न्यू सेलर्स होते हैं, तो हमारे लिए बाय बॉक्स विन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा कंसीडर नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमने बाय बॉक्स रोटेशन देख ली। चेक नंबर 5 पे हम देखेंगे, चेक हाउ मच यूनिट्स, एक मिनट ज़रा दीजिएगा। अच्छा, ये नंबर 5 पे हम देखेंगे, हाउ मच यूनिट्स अ सेलर इज सेलिंग, यू कैन चेक बाय क्लिकिंग ऑफर टैब इन कीपा एंड आल्सो थ्रू जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर। अच्छा, मुझे बताइएगा ये आवाज़ आप लोगों को आ रही है, अगर किसी की तरफ कोई इशू है तो बताइएगा काइंडली। एक की तरफ से आ रहा है कि उनको जो है स्क्रीनिंग पे आई थिंक कोई इशू है। अगर ये बताइएगा चैट बॉक्स में आकर बताएं। ओके ओके, अगर किसी का कोई इशू है तो आई थिंक आप अपने हेड से देख लें। चलें, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी जो है ये यू कैन चेक बाय क्लिकिंग ऑफर टैब इन कीपा एंड आल्सो थ्रू जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, ठीक है। तो ये होता है कि हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये आई थिंक आप लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, और पता होगा भी तो ये हम क्या कर रहे होते हैं, ऑफर टैब को हम चेक करते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि कौन सा सेलर कितने यूनिट्स लेके आया था स्टार्टिंग में, और उसके कितने यूनिट सेल हो गई, किस टाइम वो लेके आया था। इट मीन्स कि अभी जो है ना कोई भी सेलर वो अपनी लॉन्च करता है कोई प्रोडक्ट, ठीक है, अमेजोन के वगैरह उसमें पहुँचाता है, उसने 20 यूनिट्स उसने भेजे, कौन सी डेट को उसने अमेजोन ने लाइव किए, और कौन सी डेट को जो है ना कितनी उसकी सेलिंग हुई है, और अभी तक उसके कितने यूनिट सेल हुए, वो हम देख रहे होते हैं ऑफर टैब से, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, चेक इफ देयर आर एटलीस्ट 3 FBA सेलर्स विद लो रेटिंग एंड रिव्यूज एंड दे आर गेटिंग बाय बॉक्स और नॉट, चेक प्राइस इज कंसिस्टेंट और नॉट थ्रू कीपा ग्राफ। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो आपका प्रीवियस हमारा जो था ना क्राइटेरिया, उसमें हमने देखा था कि उसके ऊपर 30 तक जो है वो सेलर्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन उसमें हमने क्या देखना है कि 3 सेलर्स जो है ना, और हमने कहा था कि उसके ऊपर मैक्सिमम 30 हों, और उसके अंदर 4 to 6 जो है ना वो FBA सेलर होने चाहिए, और 4 to 6 FBA सेलर्स है ना, उनमें से 3 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जो जो न्यू सेलर्स हों, लो रेटिंग और रिव्यूज होने का मीन यही होता है, मतलब यही होता है कि उसकी जो है वो न्यू सेलर होना चाहिए, और उनको क्या हो रहा, बाय बॉक्स उनको शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, हमने ये भी देखना होता है। अगर तो उनको बाय बॉक्स शेयर हो रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत पॉसिबल होता है कि उसके ऊपर अगर हम भी उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, अगर हम भी उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो हमें भी बाय बॉक्स मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम क्या देख रहे होते हैं, बाय बॉक्स की रोटेशन देख रहे होते हैं कि अगर इन 3 न्यू सेलर्स है ना, न्यू सेलर्स के हमने भी जब अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो हम भी न्यू सेलर्स ही होंगे, ठीक है। आप लोग जब अपनी जो प्रोडक्ट को लगाएंगे तो डेफिनेटली आप भी न्यू सेलर होंगे, आपके अकाउंट के ऊपर भी जो है ना वो रेटिंग और रिव्यूज नहीं होंगे,
तो इसलिए अगर पहले से ही उसके ऊपर जो न्यू सेलर्स अवेलेबल हैं और उनको बाय बॉक्स शेयर हो रहा है, तो फिर हमारे लिए भी बहुत पॉसिबल होता है कि हमें भी उसके ऊपर बाय बॉक्स मिलेगा और वैसे प्रोडक्ट को हम भी सेल कर पाएंगे, ठीक है जी। और हम देख रहे होते हैं कि प्राइस जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, ये कीपा के थ्रू हम देख रहे होते हैं, ग्राफ के थ्रू, और अगर कंसिस्टेंट है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन होता है, और अगर ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है तो वो हमारे लिए जो है वो थोड़ी सी हम उसको नहीं देख रहे होते हैं अपने क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है जी। अगर एक कंसिस्टेंट वे में जा रही है तो उसके ऊपर जो है ना बाय बॉक्स परचेज, बाय बॉक्स विन करके उसके ऊपर प्रॉफिट लेना वो इजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ग्राफ रीडिंग थ्रू कीपा, ग्राफ जो है वो हम कैसे रीड कर सकते हैं? यू हैव टू चेक ग्राफ लाइन थ्रू ग्राफ, सॉरी ग्राफ लाइन थ्रू कीपा ग्राफ आना था यहाँ पे। इफ प्राइस लाइन इज स्मूथ एंड देयर नॉट टू मच फ्लक्चुएशन, इट मीन्स प्राइस हैज बीन स्टेबल। अच्छा, जब हम देख रहे होते हैं कि प्राइस लाइन जो है ना अगर वो स्मूथ है तो इट मीन्स कि उसकी जो है ना वो फ्लक्चुएशन नहीं है उसकी, प्राइस मीन्स कि उसके ऊपर जो है ना ये नहीं कि एक सेलर उसको 20 की सेल कर रहा है, $20 की, और जो दूसरा है वो उसको डायरेक्टली 15 की सेल कर रहा है, एक जो है वो 10 की सेल कर रहा है, ठीक है। ऐसे जो है ना वो नहीं होता, वो हम प्राइस लाइन जो होती है ना अगर वो स्मूथ है इट मीन्स कि कोई उसमें कोई सेंट्स का डिफरेंस होता है, अगर कोई $10 की सेल कर रहा है तो दूसरा जो है वो 9.98 की सेल कर रहा होगा, 9.90 की सेल कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे सेल कर रहे होंगे, तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें कोई फ्लक्चुएशन इतनी नहीं है, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो होता है ना वो ज़्यादा कम नहीं होता, उसके अंदर हमें लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं, कि अगर सब सेलर्स उसकी प्राइस नीचे गिरा देंगे तो फिर हमें उस प्राइस के ऊपर अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा होगा तो फिर हमारे लिए वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, लॉस में हमें ले जाएगी, तो इसलिए हम प्राइस की उसकी देख रहे होते हैं, अगर स्मूथ है तो फिर उतने पे हमें भी प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको देखेंगे कि ये वाली सिचुएशन भी आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी जो है हमारी असाइनमेंट नंबर सेकेंड है। अच्छा, ये वाला जो पूरा जो है ना ये मैंने अभी आपको सिर्फ बताया है कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, अभी मैं आपको कीपा के ऊपर लेके जाऊंगा, हम किसी प्रोडक्ट को भी देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे हम लाइव में आपको दिखाता हूँ। तो पहले जो है असाइनमेंट नंबर सेकेंड है आपकी, फाइंड 30 प्रोडक्ट्स विद कीपा, मेक प्रॉपर एक्सेल शीट। अच्छा, आपने क्या करना है, 30 प्रोडक्ट्स जो है ना उनको आपने कीपा के थ्रू ये सारे जो भी अभी मैं आपको बताऊंगा ना उन्हीं स्टैट्स को आपने देखने, ताकि आपकी जो है ना वो प्रैक्टिस हो, हैंड्स ऑन आपका प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिकल आप सारी चीज़ों को करें, और कीपा आपके पास होना चाहिए। अगर कोई कीपा नहीं परचेज कर रहा या आप जो है फ्री वाले कीपा के ऊपर काम करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है ना वो चीज़ें बहुत मिनिमाइज मिलेंगी, ठीक है, लिमिटेड आपको जो है ना चीज़ें मिलती होती है, तो वो आपके लिए जो है वो प्रेफरेबल नहीं होगा। तो अगर आपके पास किसी के पास है तो आप एक दूसरे के साथ शेयर बेसिस पे ले सकते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स आप में से मिलके तो आप शेयर बेसिस पे उसको परचेज करके एक दूसरे के साथ शेयर करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि ज़्यादा लोगों को अगर आप एक्सेस उसकी देंगे तो वो फिर काम नहीं कर रहा होता किसी के पास भी, तो उसमें यह कि दो दो तीन 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 तीन, तीन चार चार लोग जो है ना वो मिलके आप ले सकते हैं, ताकि आप अपना काम जो है वो इजीली स्टार्ट कर सकें, ठीक है जी। अच्छा, अभी जो है ना आप क्वेश्चन जो है ना वो काइंडली आप जो है ना क्लास के एंड पे किया करें, फिर वो जो है ना थोड़ा सा इधर हो जाती है, माइंड इधर आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये होता है कि आपने फिर प्रॉपर आपने एक्सेल शीट बनानी, एक्सेल शीट भी आप लोग सीखें अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेस्ट आप कर पाएँ, तो आप लोगों ने बनानी कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये है, आप लोगों ने ऐसे बनाना है इसका टेम्पलेट असाइनमेंट नंबर सेकेंड का, इधर आप लोग एसन लिख दीजिएगा, करंट प्राइस उसकी क्या है, 90 डेज उसकी प्राइस क्या है, ठीक है, 90 डेज में उसकी कितनी रही है, करंट BSR कितना है, 90 डेज में BSR कितना है, टोटल उसके ऊपर सेलर्स कितने हैं, FBA सेलर्स कितने हैं, बाय बॉक्स रोटेशन उसकी कितने परसेंटेज आ रही है, अमेजोन कितने परसेंट उसके ऊपर आउट ऑफ स्टॉक रहा है, और यहाँ पे आप लोग अपना कमेंट लिख सकते हैं, कोई भी अपना रिमार्क लिख सकते हैं, आपको जो है वो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम अब चलते हैं, कोई मैं आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाता हूँ, वहाँ पे हम देखते हैं। अच्छा जी, ये चलें प्रोडक्ट ओपन ही है, हम इसी को देख लेते हैं। अच्छा, ये बताइएगा ये स्क्रीन शेयर है आप लोगों से? हाँ ठीक है, शेयर ही है, ओके। अच्छा जी, ये देखिएगा कि ये वाली एक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर जो है ना अभी हम वो सारे के सारे स्टैट्स देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सा हमने अपना जो है वो क्राइटेरिया देखना है, ये भी क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है, इसके ऊपर 4 to 6 हमने कहा था FBA सेलर्स होने चाहिए, वो भी हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, ये तो हमने क्या पहले वाला अपने क्राइटेरिया वो मैं आपको जो है ना
दोबारा दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, और इसकी प्राइस 14 है। चले अब हम चलते हैं अपने कीपा के ग्राफ के ऊपर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने प्राइस इसकी देखनी है सबसे पहले। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, थोड़े से इसके जो है ना वो होते हैं फिल्टर्स होते हैं, ये सेल्स रैंक होता है इसका कलर। इसके ऊपर आप लेके जाएंगे तो ये देखिए इसके कलर जो है ना इधर वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये बाई बॉक्स का होता है कि बाई बॉक्स में कितनी फ्लक्चुएशन चल रही है, ठीक है। ये हम इसके ऊपर दिख रहा होता है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं अमेजोन, तो अगर अमेजोन आया होगा तो अमेजोन ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई न्यू ऑफर में सेल कर रहा है न्यू प्रोडक्ट कंडीशन, तो ये हमें शो करवाएगा। और इसके ऊपर FBA कितने हैं वो हमें ये देखिए ऊपर नीचे वो शो करवाएगा। जैसे इधर आप कलर के ले के ऊपर लेके जाएंगे वैसा कलर इधर जो है ना वो ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाएगा, ठीक है, ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ना सम टाइम ऐसे हुआ होता है लेस हिस्टोरिकल डाटा, ये देखें। अब जो नीचे वाला इसका ग्राफ होगा ना, ये देखें ओनली वन बॉक्स इसका शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या करना है आपने मोर हिस्टोरिकल डाटा कर देना है, तो ये देखिए फिर दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ओनली हमने ये फिल्टर लगाना होता है कि इसमें न्यू ऑफर काउंट मीन्स कि इसके ऊपर कितने सेलर्स हैं, ठीक है। न्यू ऑफर काउंट का मतलब ये होता है कि अब ये देखिए यहाँ पे 10 सेलर्स हैं, यहाँ पे 9 सेलर्स हैं, ठीक है। ये हमें सेलर शो करवा रहा होता है कि कितनी प्राइस के ऊपर कितने सेलर्स बैठे हुए, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये देख लिया, सबसे पहले हमने देखना है कि इसकी जो है ना वो प्राइस लाइन हमने देखनी है कि वो किसी हिसाब से चल रही है। अच्छा जी, सबसे पहले ये देखिए हमने यहाँ पे अगस्त 24 में हमने देखा कि इसके ऊपर जो है वो प्राइस इसकी FBA की जो थी वो 10.1019 इसकी जो है वो प्राइस है, ठीक है। अच्छा जी, अभी जो है हम यहाँ पे गए तो इसकी 11.40 हो गई। अभी ये देखिए इसमें जो है वो प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, ठीक है। ये देखिए इसके ऊपर कभी नीचे जा रही, कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे जा रही, कभी ऊपर जा रही, ठीक है। तो होलसेल में जो है ये हमें क्या कर सकती है, ये लॉस करवा सकती है ऐसी प्रोडक्ट। हम चले भी जाते हैं अगर उसके ऊपर आपका प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है तो आप उसको देख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी स्टेबल यहाँ पे है, इसकी प्राइस 12.66 के ऊपर अभी, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हमने चेक 90 डेज एवरेज प्राइस, 90 डेज में हमने जो है ना इसकी एवरेज प्राइस देख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना इसकी लगाना होता है डाटा पे, आप लोग चले जाएंगे